श्रीलंका दे विच लोकां दे दबाव दे कारण राष्ट्रपति राजपक्सा ने अस्तीफा देण दा ऐलान कर दिता है। बड़ी हैरानी की गल है कि प्रदर्शनकारी श्रीलंका दे विच इन्नी क वड्डी गिणती दे विच कट्ठे होए कि राजधानी कोलंबो दे विच स्थित राष्ट्रपति भवन ते ही प्रदर्शनकारियां ने कब्जा कर लिया, अंदर दाखिल हो गए, शाही खाना खांदे देखे गए, स्विमिंग पूल दे विच भी आम लोग नहाउंदे देखे गए अते शाही बैड्डां दे उत्ते भी खेडां करदे देखे गए। अजिहे हालातों तो बाद विरोधी पार्टियां ते लोकां दे दबाव तो मगरों राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देर रात ऐलान कर दिता कि 13 जुलाई नूं अस्तीफा दे देणगे। राष्ट्रपति दे इस्तीफे की मंग कर रहे आम लोकां यानी कि प्रदर्शनकारियां ते पुलिस दे विचाले इस तो पहला झड़पां भी होईयां जिदे विच 45 तो वध लोक जख्मी हो गए ते सड़कां ते जिस कदर श्रीलंका दे लोक निकले सी इस नूं देख के अंदाजा लाया जा सकदा है कि लोकां दी ताकत की हुंदी है। लोग जदों भुखे मरदे ने उदों लोग सड़कां ते निकलदे ने ते फिर क्रांति आउंदी है, फिर बदला आउंदा है, फिर सरकारां भी ढह ढेरी हो जांदियां ने। जख्मी होने वाले 45 लोगों के 7 पुलिसकर्मी भी शामिल ने। इन सारे नाजुक हालातों तो बाद तुरंत हंगामी बैठक सदी गई, सत्ता धिर सने विरोधी धिर भी शामिल सन। इस बैठक के प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे ने भी अस्तीफा देने की पेशकश की, सर्व पार्टी सरकार के गठन की पेशकश की। उन्होंने कहा कि सर्व पार्टी सरकार बन तक वह अहदे ते बने रहेंगे। हालात इथों तक नाजुक हो गए कि लोगों ने देर रात प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की निजी रिहायश नूं भी अग ला के साड़ दिता, कुछ वाहन भी साड़ दिते। देर रात तक भी राष्ट्रपति दी कोलंबो दे उच्च सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके विच सरकारी रिहायश दे बाहर वड्डी गिणती विच लोक मौजूद रहे ते श्रीलंका दा वड्डा सियासी संकट सुलझाउण दे लई राष्ट्रपति दे अस्तीफे तो बाद हुण आरजी राष्ट्रपति दे वजों स्पीकर महिंदा यपा अभयवर्धना आरजी तौर ते राष्ट्रपति दा अहुदा सांभणगे। वख-वख पार्टियां ने स्पीकर नूं इह अपील कीती है, जिस तों बाद स्पीकर ने इस पेशकश नूं कबूल कर लिया। स्पीकर ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ते प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे नूं अहुदियां तों लांभे होण लई कह दिता। श्रीलंका दी प्रमुख मनुखी अधिकार रक्षा वकील भवानी फोनेस्का ने कहा कि श्रीलंका दे हालात इस तों भी खतरनाक हो सकते ने, भयानक हो सकते ने, हिंसा भड़कण दा हाले भी खतरा बनिया होया है, श्रीलंका दे लई बेहद संकट दी घड़ी है। अजिहा उन्होंने कहा कि कदे भी इत्थे नहीं होया सी। देश विच मेडिकल संकट भी बहुत डूंगा हो गया, हालात अजिहे ने कि हिंसा किसी वेले भी भड़क सकती है, जवाबी हिंसा भी हो सकती है। इस दरमियान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे कित्थे हन किसी नूं नहीं पता। शुक्रवार नूं ही यानी कल नूं ही अपनी रिहायश छड्ड के किसी अणदसी थां ते चले गए सन, क्योंकि अपनी रिहायश ते उन्हां नूं पूरा खतरा सी, लोग उत्थे दाखिल हो गए सी। वायरल वीडियोज़ भी कुछ हो रही ने, उहदे मुताबिक VVIP गड्डियां दा इक काफला कोलंबो कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंचा जिथे श्रीलंका एयरलाइंस दा जहाज़ खड़ा सी ते समुद्री जहाज़ां दे विच कुछ व्यक्ति सवार होकर उत्थों रवाना भी होए ने। श्रीलंका दे विच पिछले कई महीनों तो वड्डा आर्थिक संकट चल रहा है, खाण पीण दीआं दवाइयां आदि हरेक जिहड़ी जरूरी चीज़ है उत्थे अंतां दी महंगी हो गई है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल होया पिया ते चीज़ां ने जिहड़ियां ओह लोगों की पहुँच तो बाहर हो रही ने। पिछले कई महीनों तो लोग सड़कों ते उतर के प्रदर्शन कर रहे सी ते इस दरमियान सरकार ने कुछ समा पहला इत्थे करफ्यू अणमिथे समय दे लई करफ्यू दा ऐलान कर दिता सी ते हुण लोगों के वसों बाहर जदों गल हो गई तां सारे इकट्ठे होकर सड़कों ते निकले। कल इन्होंने राष्ट्रपति दे प्रधानमंत्री दे इस्तीफे की मंग करदियां धार्मिक आगुआं सियासी पार्टियां मेडिकल प्रैक्टिशनर अध्यापकां किसानां मछेरियां ते होर जथेबंदियां ने कोलंबो वल मार्च का सद्दा दिता सी ते इस सद्दे दे विच देश भर तो लोग शामिल होए। प्रदर्शनकारियों राष्ट्रपति भवन वल जाण तो रोकण दे लई पुलिस ने चैथम स्ट्रीट अते लोटस रोड ते अथरू गैस दे गोले भी दागे, पर प्रदर्शनकारी लगातार अगे वधदे रहे। अंदोलन होल कंट्री टू कोलंबो इस दे प्रबंधकां ने कहा कि नेड़ले शहरां दे लोक भी प्रदर्शनकारियों दा साथ देण लई कोलंबो फोर्ट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिता सी कि राष्ट्रपति दे अस्तीफे तक पिछे नहीं हटांगे। सो इस वड्डे सियासी संकट ते दुनिया भर दीआं नज़रां टिकीआं होईआं ने ते जो होया कि लोकां ने राष्ट्रपति भवन दे विच दाखल हो के राष्ट्रपति नूं उत्थों बाहर निकलण दे लई मजबूर कर दिता, इसे नूं लोकां दी ताकत शायद कहा जांदा है।